सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करेंगे दो चीज़ों पे साइमल्टेनियसली। एक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, द मेजर ऑफ इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू चेंज, और दूसरा डिसोबीडियंस इज़ द ट्रू फाउंडेशन ऑफ लिबर्टी। द मेजर ऑफ इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू चेंज। इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी थे, प्रोबेबली विश्व के सबसे होशियार आदमी अब तक के हुए जिनका आईक्यू सबसे ज़्यादा था। तो वो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस ये है कि आप कितना अपने आप को चेंज कर लेते हैं। अब आप कहोगे मैं तो चेंज होता ही रहता हूँ, पहले छोटा सा था, फिर थोड़ा बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, और मैं देख भी रहा हूँ मैं बुद्धिमान भी होता जा रहा हूँ दिनों दिन। पहले मुझे समझ नहीं थी, अब धीरे धीरे मैं समझदार हो गया हूँ। ऐसा आप कहोगे और आपको लगता है और ऐसा महसूस कराता है, कराया जाता है आपको। द सिस्टम इज़ टेलिंग यू दैट यू आर बिकमिंग मैच्योर डे बाई डे। द सिस्टम इज़ स्मार्ट इनफ टू से यू दैट येस यू आर बिकमिंग स्मार्टर डे बाई डे, एंड यू आर बिकमिंग मैच्योर डे बाई डे, एंड यू आर रियली यू हैव बिकम यू नो यू हैव गेन्ड समथिंग एंड यू आर इंटेलिजेंट नाउ। But the problem is something else. You are actually not becoming mature or you are not becoming intelligent. You are becoming fool day by day. तुम दिनों दिन गधे होते जाते हो जैसे जैसे तुम बड़े होते जाते हो। तुम एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, जब तुम बचपन में थे तुम्हारी क्रिएटिविटी कितनी ज़्यादा थी, और वो क्रिएटिविटी ख़त्म हो करके सिस्टम में तुमको ऐसा बना दिया कि तुम एक कोई काम कर रहे हो बस उसी में लगे हुए हो। मान लो कोई सेल्स एंड मार्केटिंग वाला आदमी है तो वो सेल्स एंड मार्केटिंग का बस काम कर रहा है, बस पैसे कमाओ, दैट इज़ ऑल द सिस्टम इज़। तो भी एक ही काम कर करके सारी क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई, और तुम इसे मैच्योरिटी कहते हो। यू आर सेइंग यू आर मैच्योर एंड यू आर बिकमिंग इंटेलिजेंट विद एज। हाउ कम इट इज़ अ पॉसिबल, हाउ कम इट इज़ अ पॉसिबिलिटी? इट्स नॉट पॉसिबल, आई एम टेलिंग यू। इट्स अ सॉर्ट ऑफ फुलिशनेस यू नो दैट वी आर थिंकिंग दैट वी आर बिकमिंग इंटेलिजेंट डे बाई डे। Now, we are becoming fools day by day. The befoolment of system, that is what is called is how nature is befooling you, how the system is befooling you, that he is saying, oh, you are becoming intelligent. And what Albert Einstein is saying is that intelligence is the adaptability to change. So the point is, agar tum isko dhyan se dekhoge system, if you see the system properly, and if you see the system, and if you analyze the system, you know, and if you introspect the system, then you will find that there are big flaws in the system and the system is cheating here. The point is that the system is telling, or the mind is telling you, that you are becoming matured, and it is not going to make you adopt accordingly. That is what is the point is. ये तुम्हें अपने हिसाब उस हिसाब से ढालने नहीं देता है तुमको, तुम्हारे माइंड को, ये तुम्हारे माइंड को एक प्रोग्राम्ड वे में चलाता है। प्रॉब्लम क्या है, जो कंडीशनिंग बचपन में कर दी गई है, जो कंडीशनिंग यू हैव बीन कंडीशन फॉर यू नो इन योर चाइल्डहुड एंड योर यू नो टू अ सर्टेन एक्सटेंट इन योर एडोलसेंस, दैट कंडीशनिंग स्टेज फॉर एवर थ्रू आउट योर लाइफ, यू नो दैट इज़ व्हाट इज़ द पॉइंट इज। वो कंडीशनिंग तुम्हारे साथ रहेगी, इट विल गो विद यू, and that is what is the problem is, because that conditioning is not going to change, and that is what it says intelligence is, you are going to adopt accordingly, but the point is this conditioning is not going to let you do so. So that is what is the point is, this conditioning is not going to make you do that. So you have to be brave enough to break this, okay, and then you can jump further or you can see something else. So if you are really intelligent, then this conditioning which is being conditioned by the society, by the religion, by the parents and your friends, your families, that whole conditioning is to be broken, and you have to become disobedient to a certain extent. Because if you are obedient, then you are not going to get anything out there. अगर पापा ये कहते हैं कि पापा ये सही है,
तो उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी आपको कि वो सही है कि नहीं है, कि पापा ने उसको सही करके क्या पाया ज़िंदगी में। आप अपने पापा की एनालिसिस कर डालिए, या आपकी मम्मी जो कहती हैं उसको करके उन्होंने क्या पाया, इस चीज़ की आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। और अगर वो उन्होंने कुछ नहीं पाया है तो आप सीधे कह सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कि आपकी ये मेथड ठीक है, बिकॉज़ आपने कुछ नहीं पाया इससे करके, आपने यही पाया है। आई एम नॉट सेइंग यू शुड इंसल्ट योर पेरेंट्स, बट देयर शुड बी अ लॉजिकल डिबेट ऑन दैट। ओके, सो इफ यू दैट डिबेट कैन बी डन, सो द पॉइंट इज इट शुड बी सेड इन अ फैशन दैट डजंट हर्ट देम, बट दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। Anyhow, this is what is important, is that this particular, you know, system is conditioning your mind, your intelligence in a particular way, and that is the basic hindrance in your growth, in your development. So unless and until you are not going to break this, what is being conditioned and what is being thrown upon you or your mind by the system, you are not going to do, you know, going to get anything out of it. बच्चे को बचपन से पढ़ाया जा रहा है ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, तो वो बचपन में जैसे ही उसके जैसे उसे एप्पल दिखाई देता है तो उसके दिमाग में आता है ए फॉर एप्पल। ठीक है, कुछ भी अगर कोई चीज़ हो, जैसे मैं परसों कोई चीज़ देख रहा था, मुझे पता नहीं उस चीज़ से क्या चीज़ याद आई, ट्रक में कुछ लिखा हुआ था, मुझसे कुछ और याद आ गया। सो द पॉइंट इज द कंडीशनिंग स्टेज। ओके, और बचपन का जो कंडीशनिंग है दैट इज़ वेरी स्ट्रांग, क्योंकि उस समय वो खाली कोरे कागज़ पे उसने नाम लिख दिया है। वो गाना आपने सुना होगा, कोरा कागज़ था दिल मेरा, लिख गया नाम उस पे तेरा। वो जो कोरे कागज़ तुम्हारा मन था जिसमें कुछ नहीं था, वो डीकंडीशन था, उसे कंडीशन कर दिया। पेवलोव का एक्सपेरिमेंट देखो, तो घंटी बजाया, कुछ आया वो खाया। सो वही कंडीशनिंग तुम्हारी भी कर दी गई है माइंड की, वैसे ही हो गए हो तुम एक रोबोट जैसे। समझने का प्रयास करो, तभी तो आइंस्टीन कह रहा है कि तुम्हें इंटेलिजेंस है कि तुम उसे अडॉप्ट करो और उसे चेंज कर दो अकॉर्डिंगली, तब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली तुम चेंज करना आना चाहिए। तुम इस चीज़ की एनालिसिस करो, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, रिलीजन क्या सिखा रहा है, लोग क्या बता रहे हैं, क्या पॉलिटिकल क्लास सही काम कर रहा है। हर चीज़ की लॉजिकल एनालिसिस होनी चाहिए। यहाँ पे क्या ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं, किसी भी पार्टी के होंगे पॉलिटिक्स में, इनकी अगर मैं पॉलिटिक्स का एग्जांपल लूँ, एंड इसको ही वोट देना है, चाहे वो कोई ऐसा भी हो, दे विल नॉट एनालाइज इट। सो द पॉइंट इज बिकॉज दे आर बीइंग कंडीशन्ड, बचपन से घर में बताया गया कि यही वाली पार्टी दूसरी पार्टी चोर है, सो दे विल नॉट अप्लाई देयर माइंड, इंस्टेड दे आर गोइंग टू स्टिक टू दैट पर्टिकुलर पार्टी, दैट इज द प्रॉब्लम इज। सो दैट कंडीशनिंग इज टू बी ब्रोकन टू गेट समथिंग न्यू। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, लेकिन अगर तुम्हें कहीं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या अध्यात्म या परमेश्वर या आत्मा को जानना है, तब तो तुम्हें सारी कंडीशनिंग ब्रेक करनी पड़ेगी अपनी, पूरा माइंड को, इट शुड बी ओवरहॉल्ड एंड ट्रेनिंग। ओके, जैसे इंजन की ओवरहॉलिंग होती है, वैसे माइंड की ओवरहॉलिंग करके तब तो तुम सेल्फ को जान सकते हो। इट्स नॉट ईजी अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट गोइंग टू डी कंडीशन एवरी थिंग वट एवर यू हैव लर्न यू नो इन होल ऑफ योर लाइफ टिल अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट इट, अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगिव एवरी वन, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ योर लाइफ। आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू डाई। दैट इज वट इज द अल्टीमेट ट्रूथ हैज विच यू डोंट वॉन्ट, विच मेक्स यू वरी। So that is what is called as intelligence, you know. That particular intelligence says that nothing is mine, nothing now. Analysis of everything at every step is required. But yes, this is actually, is the person saying true? Is this person is saying what actually I want, or I should listen to him or not? It's a wastage of my time. It is of any use to me or not? So an analysis, a deeper analysis and understanding has to be done accordingly of everything at every point of time, at every point of time and every second of time, I'm telling you. So you are going to get the gist out of it, and you have to totally change your thinking, the way you think, you know. Unless and until you are not going to completely change the way you think, you can't get anything new out of your life, I'm telling you. These are my words, I'm telling you, and these are my true words. Sorry. If you really want something new to happen in your world and outside your world, you have to bring changes in your conditioning. You have to break the walls and the barriers inside you. It's not outside there are any barriers, which is what programming is being done to you. That is very, very important, I'm telling you. Okay, so it may be like this, that you have to offend your parents at a particular moments or points of time, or it may be like
what they are saying, you are not listening to them at particular specific particular period of time, or that particular उनकी बात आप नहीं सुन रहे हो, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं देख रहे हो, नहीं मान रहे हो, ऐसा होगा. और जब विरोधाभास होगा तो थोड़ी बहस होगी, तो वो आपको ब्लैक शीप कहेंगे. तो आप सुन लेना कि हाँ, आप ब्लैक शीप ही अच्छे हो, क्योंकि उन्होंने वाइट शीप बन के तो कुछ किया नहीं मेरे ख्याल से. ठीक है. सो अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग अराउंड यू, व्हाट इज यू हैव बीन टॉट, व्हाट यू हैव बीन सेड, व्हाट यू हैव बीन टोल्ड, दैट इज़ टू बी डन. फॉर एग्जाम्पल, आपको बताया गया स्पेन की टीम अच्छी है, तो अब स्पेन की टीम अच्छी है तो ठीक है, रियल में स्पेन की टीम फुटबॉल अच्छा खेलती है, आपको बचपन से ये बताया गया तो आप यही खेलते हो. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में ले लो, क्रिकेट के इतने दीवाने हैं क्योंकि बचपन से क्रिकेट ही देखते आ रहे हैं ना, उन्हें फुटबॉल का नहीं जोश है, समझने का प्रयास करिए. जबकि फुटबॉल एक ज़्यादा अच्छा गेम है मेरे ख्याल से क्रिकेट से. खैर, उस बारे में मैं फैंस को नाराज़ नहीं करना चाहता. बहरहाल, मेरी बात आप शायद समझ गए हैं. तो इतना काफ़ी है कि अगर आपको चेंज करना है, इंटेलिजेंट वही है जो हर चीज़ की एनालिसिस करे और सिर्फ अपने फ़ायदे की सोचो. मेरी बात समझ रहे हो ना? अपने फ़ायदे का मतलब है अपनी ग्रोथ, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, और अपने आप को जो तुम हो उसे जानना. और उसके लिए चाहे तुम्हें लोगों से थोड़ी बहुत ना बात करनी पड़े या लोग तुमसे नाराज़ हो जाएं, तो सबको खुश हम नहीं रख सकते. ठीक है. थैंक यू.